Morning everyone. I welcome back all of you at the English Club, and today we are going to have the third chapter of the Bihar Board, and the chapter's name is Pillu. That was written by Mahadevi Verma, one of the famous Hindi poet of Chhayavadi literature. He was the most leading poetess, and I'm going to talk about the Chhayavadi. There are some other authors including Sumitra Nandan Pant and other names. Do you know anybody? Chhayavadi, some others one. Sultanthi Pathi Nirala, herself Mahadevi Verma. These are the writers of Chhayavadi. When we talk about the English equivalent of Chhayavadi, it means Romanticism. And Romanticism, when we talk in English, means that love with nature, animals and landscape. She was also a well-known story writer as well as a teacher of the famous Hindi weekly Jaan. उसको एक फेमस पोएट के पोएटेस के साथ साथ कवित्री के साथ साथ लघु कथा भी लिखती थी, और साथ ही साथ एक फेमस वीकली मैगजीन है जिसका नाम है चांद, और उस चांद का संपादन भी करती थी। इतनी फेमस कि यह कहा जाता है कि जो महादेवी वर्मा है इनकी जीवा पर माँ सरस्वती का निवास होता था, मतलब अपने घर से कॉलेज जाने के रास्ते में वो कई सारे कंपोजिशंस रास्ते में पढ़ दिया करते थे। तो इतनी ग्रेटेस्ट पोएटेस को आज देखने वाले हैं जिन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है पिल्लू। तो एक पॉइंट अभी यहाँ से सबसे पहले जो हमें एग्जाम पर्पस रहेगा, तो महादेवी वर्मा है कौन? तो छाया लीडिंग पोएटेस, लीडिंग का मतलब नेतृत्व करने वाले, ठीक है। और छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी एक एज होता है जिस लाइक द्विवेदी हो, भरतेंदु हो, सिमिलरली हिंदी साहित्य में एक छायावादी होता है। हमने आपको इंग्लिश में आपको बताया था जैसे रोमांटिक एज हो गया, एलिजाबेथन एज हो गया, जैकोबियन एज हो गया, विक्टोरियन एज हो गया, मॉडर्न एज हो गया, पोस्ट वार हो गया, प्री पोस्ट वार पीरियड्स हो गए। दीज आर द पीरियड्स, अंडरस्टैंड। उसी तरह से ये हमारे महादेवी वर्मा क्या है? छाया वादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी लिटरेचर, और इसकी ये क्या है? लीडिंग पोएट्रेस है। दोस्तों अभी इनके हम कुछ वर्क्स की बात करेंगे, लीडिंग पोएट्रेस, ठीक है ना। वर्क की हम बात कर लेंगे तो सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, निहार जो ब्रैकेट में करा पोएट्री एंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, संकुल जिसको हम लोग कहते हैं, सिंगला की कड़ियां, मेरा परिवार। दोस्तों ये सारे जो भी वर्क्स पांच छह बताए गए हैं वो वाकई में काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनना तय है, तो हम उम्मीद करते हैं पांच और काम को याद हो गया। यामा, निहार, सिंगला की कड़ियां, मेरा परिवार, याद हो गया किसी को भी पांच नाम? एक बार रिपीट करके देखो, यामा, निहार, दीपशिखा, सिंगला की कड़िया और मेरा परिवार। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए, जो आपके इतने बड़े बड़े वर्क किए हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इनको कई सारे बड़े बड़े अवार्ड्स भी इनको हाथ लगे, और कहा जाता है कि इनको एक से बढ़कर एक अवार्ड्स दिए गए, प्राइज दिए गए, पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। आइए हम प्राइज की बात करते हैं। सिवा द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट का मतलब दोस्तों होता है प्राप्तकर्ता। रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? प्राप्तकर्ता, यानी जो रिसीव करता है, ठीक है ना। और एडिटर का मतलब क्या बताया था? संपादक। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है इसको भी हमको देखना है। सिवा द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, देखिए नाम याद रखिए पांच अवार्ड्स का। पहला इनको अवार्ड दिया गया मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड जो सेकंड है, ज्ञानपीठ अवार्ड, और इस अलोंग विद पद्म भूषण चार, और इनको साथ ही साथ पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और सीवा इलेक्टेड फेलो साहित्य अकेडमी। अंत में इनको एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और वो था फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। तो ये सारे सिक्स इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। इनको महादेवी वर्मा का
और विशेष के लिए आप क्या करोगे, इवन योर हिंदी टीचर विल कम, ही विल टीच बेटर और गुड more information about Mahadevi Verma because she is she was basically from a Hindi writer or Hindi poetry lesson. कहानी इतनी अच्छी है दोस्तों कि लोग कहीं ना कहीं कि इसको रेंडर करना मतलब ट्रांसलेटेड फॉर्म में हमें इंग्लिश में दिया गया है. गिल्लो इंग्ली एक शॉर्ट स्टोरी थी, लघु कथा थी और उसी कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दिया गया है और इसको हम एक शॉर्ट पार्ट में हम लोग अपने चैप्टर्स में देखने वाले हैं. तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आइए बातें करते हैं. लेकिन हम लोग चैप्टर्स को शुरू करने से पहले कुछ आपसे और बातें कहता है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस विद फ्रेंड्स. अपने वर्क्स में डू यू लाइक द स्टोरीज, यस और नो? यस, डेफिनेटली यस. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू लाइक द स्टोरीज, कहानियां आप क्यों पसंद करते हो? वन मिनट, व्हाई डू यू लाइक द स्टोरीज, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड इट? बिकॉज़ द स्टोरीज मेक यू थिंक, मींस रोचक लगती है. और नेक्स्ट पॉइंट, चलिए एक ही पॉइंट आपके पास बैठ गई और किन्हीं के पास है कोई कहानियां से हमें नई नई. और जब हम लोग कहानियां पढ़ते हैं तो एक तो जैसे हम लोग अपनी सिलेबस को पढ़ते पढ़ते मैथ साइंस पढ़ते पढ़ते जब हम लोग कूम से जाते हैं तो एक रिप्लेसमेंट का भी काम करता है कहानियां. एक हम लोग इस तरह से जब कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में एक नई ऊर्जा का मतलब प्रसंग संचरण होता है और ये हम लोगों को ऑल द टाइम मतलब रखता है, हम लोगों को बोर्ड होने से हम लोगों को बचाता है. और कहानियां से कई तरह की चीजें हमें सीखने को मिलती है, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था, अधिक भिन्न भिन्न तरह की कहानियां के कई सारे टाइप्स होते हैं. यहाँ पर हम जो जिस कहानी को पढ़ने वाले हैं हम लोग जानेंगे महादेवी वर्मा को जानवर से पार्टिकुलरली गिल्लू से कैसा लगाव था, क्या क्रिया करती थी उसके लिए, ये सारे बातें हमें देखने को मिलेगा. तो काफी इंटरेस्टिंग है. एक और सवाल है, टेल एनी स्टोरी ऑन लव बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, कोई एक ऐसा कहानी बताइए जहां पर मैन और एनिमल्स के बीच बताया गया. कैन यू टेल मी एनी काइंड ऑफ स्टोरी, कोई ऐसा है? एक स्टोरी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, किसान और निर्मला की कहानी, अंडरस्टैंड? तो किसान और निर्मला की कहानी को बस मैं एक मिनट में आपको समराइज करके बताता हूँ. उनका क्या था, किसान एक मतलब गरीब का था और सुबह होते ही वो अपने खेत पर निकल जाया करता था, उसकी पत्नी थी और घर में एक छोटा बच्चा था. क्योंकि किसान बहुत अर्ली खेत में पहुंच जाया करता था, काफी समय कुछ गुजरने के बाद मतलब 2-4 घंटे के बाद खाना पकाने के बाद उसकी जो पत्नी होती थी वो खेत पर खाना पहुंचाने जाया करता था अपने स्वामी को. ये प्रोसेस चलते रहता था, घर में छोटा बच्चा था. एक बार क्या होता है, जैसा हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है कि जो मालकिन होती है उस किसान के साथ पत्नी, वो खाना खिलाने के बाद मतलब खाना पकाने के बाद वो अपने स्वामी को खाना खिलाने के लिए ले जाती है और अपने बेटे को घर में ही छोड़ देती है नेवले के अंदर रखवाली करने के लिए. और जब वो खेत पर चली जाती है, घर पर कोई नहीं होता है, तो उसी समय एक सांप का एंट्री होता है, जहरीला सांप का. और वहीं पर नेवला उसके मतलब फार्मर जो थे किसान, उसके बच्चे के साथ खेल रहा होता है और जो ही नजर पड़ती है कि एक सांप आ रहा है तो नेवले को आभास हो जाता है, रियलाइज हो जाता है कि डेफिनेटली हमारे मालकिन का एक इकलौता संतान है, इसको काट लेगा, डस लेगा, बाइट कर जाएगा, इससे इसकी मौत होगी. उन्होंने अपने मालिक के प्रति वह स्नेह और प्यार दिखाता है और उस सांप से अंत तक फाइट करता है और फाइट करते करते अंत में उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है और खुशी पूर्वक वो क्या करता है, बच्चा उसी तरह से चल रहा होता है, बच्चे को किसी तरह कोई नुकसान नहीं होता है, उसके अंदर प्राउड फील होता है और वो घर से निकल करके दरवाजे के पास खड़ा होता है खून से लथपथ. किसान मालकिन आएंगे तो देखेंगे कि वाह, आज तो हमारा बच्चा को नेवले ने बचा लिया है, अपना साथ रखा है. नेवले ने अपने मालिक के प्रति जो कर्ज था उसको कर्ज को उतार दिया था. उधर से मालकिन हाँपते हुए आपकी घर का जो दिन था और माथे पर उसका एक पिचर था, खड़ा था, उसमें सामान पानी वगैरह रखा हुआ था और वो जो ही देखती है कि नेवले के शरीर पूरे खून से लथपथ है तो उसको रियलाइज होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग उसके माइंड में चले, मिसकंसेप्शन चला जाता है. इसे निश्चित तौर पर हमारी अनुपस्थिति में इसने मेरे बेटे को क्या कर दिया है, मार डाला है, अभी इसके शरीर पर क्या किया है, खून से वो लथपथ है. बिना विचार क्या करते, बिना गाय है वो अपने माथे के पर जो की जो पीचर्स थी जो हम घड़ा कह सकते हैं वो रखी थी, उस पर पटक देती थी.
रखने के बाद नेवले की वहीं पर मौत हो जाती है। चिंतित होकर के जब ही वो अपने आंगन में प्रवेश करती है तो देखती क्या है, मेरा बच्चा एकदम वैसे ही एकदम हंस रहा है, खिला रहा है, खेल रहा है, और बगल में जब उसकी निगाहें पड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देखता है कि वहां पर एक जहरीला सांप टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है और वो मालकिन बचाना शुरू कर देखा कि कैसे एक जानवर ने अपने मालकिन के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार दिखाया, लेकिन मालकिन के नासमझी के कारण इस दुनिया से इसी तरह की सिमिलर स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं गिल्लू में। क्या स्टोरी है, आइए दोस्तों कहानी को शुरू कर लेते हैं।